अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ आलम और आप देख रहे हो प्रिंस पिजन। तो मैं आज आया हूँ मेरा एक दोस्त के घर। ये है उनका लॉफ्ट। बहुत सारे पालसर कबूतर जो है कोलकाता का फेमस, वही वाला ब्रीड मैं आज दिखाऊंगा आपको। और पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको साबिर भाई से। ये है मेरा दोस्त साबिर। साबिर भाई हाय कर दो एक बार। हाय। और आज दिखाएंगे हम कुछ पालसर कबूतर जो कलकत्ता में बहुत फेमस है और उड़ान में भी बहुत अच्छा है और आँख का भी होता है थोड़ा। और ये साबिर भाई है। साबिर भाई क्या कबूतर दिखा रहे हैं आप, एक बार दिखाइए। ये कबूतर का पर, ये है डूम और ये है पूरा गेटअप। हम आ गए हैं नेक्स्ट कबूतर के ऊपर। ये देखिए, ये बहुत ही पुराना एक नस्ल है पल्सर ब्रीड का। ये देखिए दोस्तों, इसका आँख, इसका शेप देखिए, ये प्योर पल्सर ब्रीड से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कबूतर ये है। ये देखिए, पहले आप शॉक कर लीजिए इसका आँख का। और इसका चोंच थोड़ा सा ब्लू होना चाहिए जैसे इसमें है। ये देखिए ऐसे ब्लू है। और कबूतर, ये पालसर कबूतर का सबसे जो अच्छी बात है, ये कबूतर आप जब हाथ हाथ में लोगे ना, सॉफ्टनेस बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसका शेप, इसका लुक, सब कुछ थोड़ा सा अलग अलग लगेगा आपको। सही भाई थोड़ा पॉर दिखा दो। ये है कबूतर का पॉर। ये बहुत उड़े है, कबूतर का पॉर जल गया है बिल्कुल। ये देखिए नाखून देख लीजिए आप, ये है कबूतर का नाखून और ये फेस। ठीक है चलो। ये जो कबूतर अभी दिखाने जा रहे हैं हम लोग, ये कबूतर 10 साल का पुराना है। पहले आप इसको देख लीजिए ठीक से। इसका आँख भी थोड़ा बुझ गया है, मतलब उम्र के लिए ये हुआ है। ये कबूतर 10 साल हो गया सभी भाई के पास। बिल्कुल बंद डूम का है। और इसका पैर, सबसे अलग चीज़ जो है इसका पैर देखिए, पैर का बात ही कुछ अलग है। ये देखिए इसका पंजा बिल्कुल बिल्कुल अलग टाइप का है, जैसे बाज का होता है ऐसा ही है। ये देखिए, और ये कबूतर का फेस ऑफ ब्यूटी देख लीजिए। ये है कबूतर का फेस ऑफ ब्यूटी। ये है, चलिए नेक्स्ट। तो ये है नेक्स्ट कबूतर। ये भी कितने साल का है सभी भाई, कत बचर है पायटा? 4-5 बचर। अच्छा, ये सभी भाई के पास 4 साल का कबूतर है। ये भी एक पल्सर ब्रीड से ही है। आँख देखिए सही भाई, डूम दिखाइए एक बार। डूम और पॉर कटा हुआ है, फिर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे जितना आपको पता चले। ये सारे कटा हुआ है, देख के कुछ फ़ायदा नहीं, फिर भी थोड़ा दिखा देते हैं आपको। ये थोड़ा खुला डूम से है, थोड़ा डूम खुल रहा है लेकिन बहुत अच्छा है। पंजा दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, ये कबूतर का पंजा है। क्लियर आ रहा है? हाँ क्लियर आ रहा है। ठीक है, चलो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट कबूतर के ऊपर। ये देखिए, ये भी एक पल्सर का ही कबूतर है, मतलब पल्सर ब्रीड से ही है। इसका आँख के अंदर एक रिंग भी है, शाइनिंग रिंग। और इसका फेस हम जो बता रहे हैं, हर कबूतर में एक चीज़ जो है, देखिए सबका चोंच जो है ना वो ब्लू में से है और आँखों का पुट्टी थोड़ा सा बड़ा है। और कबूतर आप हाथ में पकड़ के देखोगे तो ही पता चलेगा कितना सॉफ्ट है कबूतर, मतलब बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम बदन का कबूतर है। और इसका बॉडी स्ट्रक्चर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, कि आप देख लीजिए। शबीर भाई सेल भी करते हैं ना आप? सेल तो होता है ना? अच्छा ठीक है, मैं इनका नंबर दे दूंगा वीडियो में। ये सेल पोस्ट ही बन रहा है, आप चाहे तो शबीर भाई के पास आके कबूतर खरीद सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चा भी है शबीर भाई के पास पल्सर ब्रीड का। और शबीर भाई गारंटी, मतलब मिल जाता है ना गारंटी? ठीक है, गारंटी दे के ही देगा आपको। कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो चेंज भी हो जाता है। और आप इधर आ सकते हो, आके कबूतर ले सकते हो। बहुत ही अच्छे नस्ल के, मतलब जो भी पल्सर ब्रीड ढूंढ रहे, पल्सर
एक्चुअली पल्सर जो ब्रीड है ये कोई ब्रीड नहीं है, ये एक नाम से ही मतलब अरशद जो है उनके पास से ये सारे ब्रीड बना है। एक्चुअल ब्रीड अरशद नाम से ही लोग बोलते हैं। ये देखिए एक बार खुल के आपको दिखा रहा है कबूतर का आप लुक थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों ये है कबूतर का लुक। और भी है, और भी बच्चा वगैरह है, वो सब हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये देखिए ये एक समीर भाई का पट्टा है। ये पट्टा समीर भाई के पास पूरा है। इसका आँख देखिए कितना बड़ा है, और आँख का शाइन देखिए कितना शाइनी है कबूतर। कबूतर का आँख, इसका फेस, इसका लुक, हर चीज़ आपको बहुत ही यूनिक मिलेगा। इसका पौर देखिए, समीर भाई उड़ा रहा है कबूतर को। हमको बोल रहा था कि ये कबूतर उड़ रहा है मेरे पास। तो समीर भाई कितने घंटा उड़ा है ये वाला कबूतर? 11 घंटा प्लस। 11 घंटा प्लस। अच्छा, आप खुद आके देख सकते हो कबूतर को। इधर आके आप थोड़ा देख लीजिए कैसा कबूतर है। आपको आना है तो, या फिर ख़रीदना है कुछ भी है तो आप आके देख सकते हो। यहाँ पे साबिर भाई का टैग भी लगा है। ये देखिए साबिर भाई का नंबर भी लगा है इसमें। हम फिर भी नंबर दे देंगे आपको, 9775237924, यही है ना? ठीक है, ठीक। ये देखिए घर का लुक देखिए। अभी आपको दिखाऊंगा एक रेगदार कबूतर है साबिर भाई के पास। इसका भी रिजल्ट है। साबिर भाई ये कौन सा ब्रीड से? ये भी पल्सर ब्रीड से ही है क्या? हाँ पल्सर ब्रीड से, ये भी पल्सर ब्रीड से ही है। देख लीजिए ये थोड़ा रेगदार के अंदर आ गया है, कि इसका चोज वगैरह, इसका शेप बहुत ही मतलब मिलता जुलता है। ये मेरे को भी लग रहा है पल्सर ब्रीड से ही है। ये देखिए इसका पुट्टी देखिए, आँख का पुट्टी, और इसका फेस, इसका लुक, सब कुछ आप देख लीजिए, बहुत ही यूनिक है। अच्छा पंजा दिखाइए सुबह। हाँ पहले फेदर दिखा रहे हैं, फेदर देख लीजिए। ये कबूतर उड़ा है, देखिए कबूतर का पर जल गया है, इतना उड़ रहा है। अच्छा साबिर भाई बोल रहे हैं बहुत उड़ान उड़ा है ये। ठीक है ये है कबूतर का फेस ऑफ ब्यूटी। ये है सारा, इसका नाखून देखिए। काला कबूतर है इसका, लेकिन इसका नाखून जो है वो वाइट में से है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। ठीक है सर भाई छोड़ो। तो अभी जो कबूतर दिखाऊंगा ये आपको दिल खुश हो जाएगा। ये वाला कबूतर देखिए, इसका कितना उम्र है सभी भाई? इसका 10-12 साल, 10 साल या 12 साल होगा। लेकिन साबिर भाई कितने साल से आपके पास है? मेरे पास तो 5 साल है। अच्छा 5 साल से साबिर भाई के पास है। 5 साल पहले ये किसी का था, उनसे साबिर भाई खरीद के लाए थे। ये इसका जो ब्रीड है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये ब्रीड मेरे को बहुत ही दिल खुश कर दिया। मतलब कबूतर का क्या क्वालिटी है, माशाल्लाह। मैं भी चौंक गया ये कबूतर देख के, बहुत ही बेहतरीन एक कबूतर है। ऐसा ब्रीड शायद किसी के पास होगा क्या, नहीं नहीं पता, लेकिन मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। कबूतर बहुत ही यूनिक टाइप का कबूतर है, और बहुत ही पुराना लाइन का कबूतर। ये देखिए, ठीक है चलो। एक बच्चा दिखा रहा है शबीर भाई, उनका घर का बच्चा है। ये भी पल्सर ब्रीड से ही है। ये इसका शेप और आँख के ये देख के आपको पता चल जाएगा ये कौन सा ब्रीड का है। ये देखिए इसका जो आँख है ये आपको दिखा रहा है। थोड़ा सा फेदर दिखा दीजिए सभी भाई। ये है कबूतर का फेदर, और ये है कबूतर का फेस ऑफ ब्यूटी। इसका पौर भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये है इसका पौर। ठीक है चलो। ये और एक पट्टा है सभी भाई का, घर का ही पट्टा है सब। इसका आँख देखिए, इसका फेस, इसका पर,
काल पूरे काल दूँ। ये है फेस ऑफ ब्यूटी, ठीक चलो। ये दूसरा नॉर दिखा रहा है आपको, ये जीरा बोलते हैं कलकत्ता में, दिल्ली में नाफ्ता कहते हैं इसको। आँखों में के अंदर थोड़ा रिंग भी है और ये भी सेम ब्रिड से है, इसका एक दुम वाला कबूतर है एकदम धूम में खोल भी नहीं सुबह। अच्छा बंद धूम का है ये देखिए, तो बिल्कुल बंद धूम का है ये देखिए, फेदर का क्वालिटी देख लीजिए, ये है फेदर। ये है कबूतर का फेस ऑफ ब्यूटी, ठीक चलो। रैंडमली दिखा दे रहा है साबिर भाई का थोड़ा जो नॉर कबूतर जो बाहर है वो सब आप शौक कर लीजिए, ये सारे साबिर भाई का नॉर कबूतर है। इधर भी थोड़ा है ये, और आपको अभी दिखा देते हैं साबिर भाई का जाल का ऊपर का जो है आसमान जो है ये आप देख लीजिए, यहाँ से साबिर भाई का कबूतर उठता है, ये उनका तवा है, यहाँ पे कबूतर बैठता है। और ये है साबिर भाई का सेक्शन, यहाँ पे नॉर रहता है, उस साइड मादी रहता है, लेकिन अभी कबूतर थोड़ा दाना पानी देगा इसीलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही देखते रहिए प्रिंस पिजन, और आपका फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।